क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, इवेलुएट मतलब थ्योरम और वाची आर्टिकल इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पावर पी एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, जितने क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमने पहले भी प्रूव किया था ना, लेकिन वो क्या था विदाउट लिमिट था ना, विदाउट लिमिट ये मेरे पास आया। अब इसको करेंगे कैसे हम, इसका प्रूव किया, लेट अस कनेक्ट इंटीग्रेशन साइन पावर पी एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स, जैसे जैसे पहले किया था ना बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो विद इंटीग्रेशन साइन पावर पी माइनस टू एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स, इसके साथ लेट किया हमने। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या रूल्स याद है आपको, पी लैट करते थे फिर डेरिवेटिव करते थे फिर इंटीग्रेट करते थे, ओके। यहाँ पे क्या किया, लैट किया पी इक्वल टू क्या दिया हमने, ये पी है ना, क्योंकि यहाँ पे भी पी आर है कि नहीं, पी मैं इसको ना पी डैश कर दू, लैट पी डैश इंटू क्या आएगा साइन पावर पी माइनस टू प्लस वन एक्स इंटू कॉस पावर क्यू प्लस वन एक्स, रूल कौन सा लगाया हमें, रूल ऑफ स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन, ओके ना। तो ये क्या आ जाएगा पीछे, इंप्लाइज पी डैश इक्वल टू आएगा साइन पावर पी माइनस वन एक्स इंटू कॉस पावर क्यू प्लस वन एक्स, ओके समझ आया। अब देखिए आ गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी कैन, इसको हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम जब डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा डी पी डैश अपॉन डी एक्स, राइट। अब ये क्या आएगा फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी क्यू प्लस वन, और इसकी डेरिवेटिव आएगी कॉस की पावर क्यू क्यू, राइट है ना, और कॉस की डेरिवेटिव क्या होती है माइनस साइन एक्स प्लस क्या जाएगा यहां पे कॉस की पावर क्यू प्लस वन एक्स इंटू क्या लिखेंगे हम p माइनस वन इंटू साइन की पावर क्या जाएगी p माइनस टू एक्स है ना, इंटू साइन की क्या जाएगी कॉस एक्स, ओके। एनी क्वेश्चन, अब जहां पे क्या जाएगा विच इंप्लाइज डीपी डैश अपॉन डी एक्स, और जहां पे क्या जाएगा इसकी मल्टीप्लाई जब की देखो माइनस है ना, और क्या माइनस पी प्लस वन सॉरी क्यू प्लस वन लिखा पहले हमने क्यू प्लस वन इंटू क्या जाएगा इन दोनों की जब मल्टीप्लाई की कितना आता है साइन की पावर पी एक्स, और जहां पे क्या गया कॉस की पावर क्यू एक्स, क्लियर है। हाँ मल्टीप्लिकेशन दिया ना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन किया था, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेसिस एंड पावर्स और एडेड, तो जहां पे क्या जाएगा ये पी प्लस वन को क्या पी माइनस वन को पहले लिखा, अब जहां पे क्या जाएगा हमारे पास ये साइन की पावर पी माइनस टू एक्स, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा कॉस की पावर क्यू प्लस टू एक्स, इज इट राइट, ठीक है बेसिस एंड पावर्स और एडेड। अब जहां पे आएगा विच इंप्लाइज डी पी डैश अपॉन डी एक्स जाएगा माइनस क्यू प्लस वन साइन पावर पी एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स जाएगा पी माइनस वन, अब जहां पे किसको ब्रेक करेंगे हम साइन की पावर पी माइनस टू एक्स वैसे रखी लिखी कॉस को ब्रेक करना है, अभी हमने कॉस की पावर क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर। जहां पे क्या हो जाएगा विच इंप्लाइज डी पी डैश अपॉन डी एक्स माइनस क्यू प्लस वन ये क्या हो जाएगा साइन की पावर पी एक्स इंटू कॉस की पावर क्यू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस पी माइनस वन जहां पे क्या हो जाएगा साइन पावर पी माइनस टू एक्स कॉस पावर क्यू एक्स, कॉस की पावर क्या हो जाएगा क्यू एक्स, और कॉस स्क्वायर की क्या आएगी एंट्री वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ गए वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गई, ओके। अब क्या करेंगे इसको हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम, राइट ना, इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये क्या मिलेगा हमें विच इंप्लाइज डीपी अपॉन सॉरी डीपी डैश अपॉन डी एक्स जो आएगा माइनस क्यू प्लस वन इंटू साइन पावर पी एक्स
into cos power qx right plus क्या जाएगा p minus 1 into देखो इस पूरे की मतलब ये बन के साथ करेंगे हम इस हम कह रहे हैं बन के साथ तो क्या जाएगा p minus 1 sin power p minus 2x into cos power qx और फिर इसकी मिलाई इसके साथ करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो क्या जाएगा माइनस पी माइनस वन तो ये क्या जाएगा साइन पावर पी आएगा ना ठीक है जहां पे साइन पावर पी माइनस टू है जहां पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू प्लस टू कट जाएगा और इंटो क्या जाएगा कॉस क्यू एक्स जाएगा विच इम्प्लाइज डी पी डैश अपॉन डी एक्स ओके ना अब इन दोनों में से क्या माइनस कॉमन रखा और p प्लस वन सॉरी q प्लस वन लिखा और प्लस p माइनस वन लिखा और ये दोनों भी कॉमन आ जाएंगे साइन पावर पी एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स ओके एनी क्वेश्चन और जहां पे क्या जाएगा p माइनस वन इंटू साइन पावर p माइनस टू एक्स कॉस पावर क्यू एक्स क्लियर कोई क्वेश्चन नंबर पास आया अब क्या करेंगे हम ये तो बन गया विच इम्प्लाइज डी पी डैश अपॉन डी एक्स ये वन प्लस वन कर गया क्या आ गया मैं पी प्लस क्यू लिखो पहले इंटो साइन पावर पी एक्स इंटो कॉस पावर क्यू एक्स प्लस क्या आएगा पी माइनस वन इंटो साइन पावर पी माइनस टू एक्स इंटो कॉस पावर क्यू एक्स ओके ये मेरे पास आया अब क्या करेंगे हम इसके बाद क्या करते हैं हम इंटीग्रेटिंग है ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कॉमा भी क्या जब इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया जे पी डैश आ गया क्या आ गया पी डैश तो जहां पे क्या आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू को क्या किया कॉमन किया इंटीग्रेशन ऑफ साइन पी एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स इंटू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वगैरह तभी जो dp by dx जो d by dx कट गया क्लियर और जहां पे क्या आएगा p minus 1 इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर p minus 2x into cos पावर qx dx ओके एनी क्वेश्चन अब जहां पे क्या जाएगा हमें चाहिए क्या हमें तो इसकी इंटीग्रेशन करनी इसको उठा के चलाओ इसको उठा के ले आओ है ना जब इसको उठाया तो ये क्या बन गया p plus q इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर पी एक्स कॉस पावर डी एक्स इक्वल टू इस पी को इधर आते माइनस पी बन गया ना पी डैश प्लस पी माइनस वन इनको क्या जाएगा इंटीग्रेशन साइन पावर पी माइनस टू एक्स इंटो कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स ओके ना तो जे किसकी को आ जाएगा जे क्या सपोज बोल दिया ना हमने therefore integration sin power px into cos power qx dx okay ना जे इसके पान पावर पी डैश क्या सपोज किया हमने ये क्या जाएगा sin power p minus 1x okay into cos power q plus 1 x है कि नहीं अपान में ये p plus q आ जाएगा और जहां पे आगे आएगा प्लस पी माइनस वन अपॉन पी प्लस क्यू इंटीग्रेशन साइन पावर पी माइनस टू एक्स इंटो कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स चलो बताओ ये हमारे पास क्या बन रहा है ये तो फॉर्म बन के हमारे पास लेकिन अब हमें क्या चाहिए क्या लिमिट लिमिट चाहिए लिमिट लिमिट क्या दी देयरफॉर लिमिट है 0 टू पाई बाय 2 है ना चाहिए थी ना हमें हमें तो जे वाली निकालनी है जे क्या लिमिट दी तो ये क्या जाएगा साइन पावर पी एक्स कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स लेकिन इसके लिए क्या करेंगे हम जे माइनस वन अपॉन पी प्लस क्यू को मैंने क्या किया कॉमन कर दिया पता चला आपको और जे क्या जाएगा साइन की पावर पी माइनस वन एक्स कॉस की पावर क्यू प्लस वन एक्स है ना इधर क्या आएगा जीरो से पाई बाय टू और जहां पे क्या जाएगा प्लस पी माइनस वन अपॉन पी प्लस क्यू इंटीग्रेशन जीरो से
पाई बाय टू साइन पावर पी माइनस टू एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स। और आपको पता है जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे इधर पुट किया साइन पावर पी माइनस वन पाई बाय टू कॉस पावर क्यू प्लस वन पाई बाय टू है ना। आपको पता साइन 90 कितना होता है वन और कॉस 90 कितना होता है इसका मतलब पहले टर्म जीरो हो जाएगी होगी ना होगी। फिर जीरो पुट करके माइनस लोअर लिमिट में क्या जीरो है साइन जीरो जीरो होता है इसका मतलब जीरो रिजल्ट क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा क्या आ जाएगा क्लियर हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं हम भाई इसका ये क्या आ जाएगा साइन पावर पी माइनस वन पाई बाई टू इंटू कॉस पावर क्यू प्लस वन पाई बाई टू क्या आता है जीरो आता है। तो अगर एंड साइन पावर पी माइनस वन जीरो इंटू कॉस पावर क्यू प्लस वन जीरो दैट इज ऑल्सो जीरो फुल टर्म जीरो हो जाएगी साइन जीरो जीरो कॉस 90 ना था जीरो जीरो इंटू समथिंग जीरो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा जहाँ पे आएगा विच इम्प्लाइज इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन की पावर पी एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा पी माइनस वन अपॉन पी प्लस क्यू इंटीग्रेशन आएगा जीरो से पाई बाई टू ये क्या आ जाएगा साइन पावर पी माइनस टू एक्स कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है याद है आपको पिछले लेक्चर में क्या किया था हमने रिप्लेस किया था ना क्या हमें क्या निकालना है पी माइनस क्यू इसका मतलब रिप्लेस करना पड़ा है यहाँ पे क्या आया याद यहाँ पे क्या इसको रखेंगे हम क्या स्टार वन नाउ चेंजिंग पी वाई पी माइनस टू कॉमा वी गेट ठीक है पी बाई पी माइनस टू इन स्टार वन कॉमा वी गेट इसमें चेंज करें तो ये क्या देगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू पी की जगह पे क्या लिखेंगे हम साइन पावर पी माइनस वन एक्स कॉस पावर क्यू एक्स ही रहेगा ठीक सिर्फ पी में चेंजिंग क्यू जहाँ पे कॉस पावर क्यू है ना वो तो वैसे रहेगा हाँ सॉरी मैंने पी माइनस वन ओके ओके हाँ तो ये क्या आ गया P की जगह पे क्या लिखेंगे हम P माइनस टू माइनस वन अपॉन पी यहाँ पे क्या आएगा P माइनस टू प्लस क्यू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू लेकिन जहां पे क्या आ जाएगा P की जगह पे P माइनस टू आ जाएगा कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स इसका मतलब ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू है ना तो ये कितना आ जाएगा साइन पावर पी माइनस टू एक्स इंटू कॉस पावर टू एक्स डी एक्स जरूर लिखना ओके ये क्या आ गया पी माइनस थ्री और ये आया पी प्लस क्यू माइनस टू राइट तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर ये क्या आ जाएगा पी माइनस फोर एक्स कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स इसको रखेंगे हम सेकेंड दोनों से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम क्या दोनों से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है नाउ पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट साइन को किसमें पुट करेंगे हम फर्स्ट में तो क्या मिलेगा हमें कॉमा वी गेट इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साइन पावर पी एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स ये क्या आ जाएगा देखो पी माइनस वन इंटू पी माइनस थ्री लिखो जे वाला ये तो कौन इसकी जगह पे हमने क्या लिखना जे लिखना ना पूरा ये कॉन्सेप्ट कॉमन है फिर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिख देंगे अभी थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्लियर हुआ आपको तो ये कितना आ गया पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस टू इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा इसकी जगह पे इंटरेस्ट लेंगे जीरो से पाई बाय टू साइन पावर पी माइनस फोर एक्स कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स ठीक है दैट इज रखो स्टार थर्ड रखो तो इन इसमें से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप चलेंगे अब जनरलाइजिंग
जर्नलाइजिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड कॉमा पे क्या था। जर्नलाइज आप ये करिए, अगर ये इवन हुआ, अगर एन ये इवन ऑड हुए तब क्या रिजल्ट आए, ठीक है। इसके केसेस होंगे हमारे पास, तो फर्स्ट सेकंड केसेस, सेकंड में भी केसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। पहले जहाँ तक नोट कर दिया आपने, नोट कर लो पहले, ओके। जैसे केस वन क्या दिया, इफ पी इज क्या लेते हैं हम, ए पॉजिटिव, पी इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जब इसको पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे तो ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, इसको लेंगे हम साइन पावर पी एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे हम देखिए ऑड है ना, ऑड है तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, पी को क्या लिया हमने, ये पी माइनस इवन है, हमने पी को क्या माना, ऑड, ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड माइनस इवन, ऑड में से इवन निकालना है, हाँ हाँ, ऑड में से इवन माइनस और क्या आता है, ऑड आता है भाई, ऑड आते हैं ना, इसका मतलब जहां पे क्या जाएगा, ये आएगा पी माइनस वन इंटू पी माइनस थ्री अपन जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस टू, ओके आएगा सो ऑन, ठीक है। अब जहां पे ध्यान दीजिएगा, जे पी इधर ध्यान दीजिएगा, पी माइनस वन, पी माइनस वन है ना, पी ऑड है, ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड इवन, इसका मतलब सो ऑन टू क्या लिखूंगा मैं यहां पे टू, क्लियर। और यहां पे क्या है, ये तो पी प्लस क्यू है, इधर से माइनस करेंगे हम, ये क्या आएगा पी प्लस क्यू माइनस तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, पी ऑड है ना, ऑड प्लस क्यू, ऑड माइनस, ये ऑड माइनस इवन जहां पे आ रहा है, ये इवन है ना, ऑड माइनस इवन, ऑड आएगा, इसका मतलब ये सो ऑन टू क्या जाएगा वन। और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या जाएगा, पी माइनस फोर, फोर क्या है इवन है ना, मतलब पी ऑड माइनस इवन क्या आएगा, ऑड, इसका मतलब ये क्या आएगा, जीरो से पाई बाई टू साइन पावर वन एक्स, और ये क्या आएगा कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स, क्लियर। इसको क्या करेंगे हम, अब इसको इवैल्यूएट करेंगे, अब होता है इसकी इवैल्यूएशन क्या आती है, कॉस को पुट करेंगे साइन क्या आता है, आ जाता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स है ना, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, क्या मैं इसको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मेरे को तो जहां पे क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज इंटीग्रेशन जीरो से फाइव बाई टू साइन पावर पी एक्स इंटू कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स, जहां पे क्या आ जाएगा पी माइनस वन, भाई बात कर लीजिए प्लीज, थोड़ा साइलेंट रहो यार, क्या ये क्या जाएगा p माइनस वन इंटू पी माइनस थ्री सो ऑन टू टू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस टू सो ऑन वन, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो ये फॉर्मूला ना, ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन मीन्स इसकी आएगी कॉस पावर क्या आएगा क्यू प्लस वन अपॉन क्यू प्लस वन, और ये क्या आएगा जीरो से पाई बाई टू हगी नहीं, ये मेरे पास आ गया। अब जहां पे क्या लेंगे इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यू नो कॉस 90 कितना आता है, कॉस 90, कॉस 90 जीरो आता है, कॉस जीरो वन है ना, ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, जब आप कॉस को पुट कर रहे हो, जहां पे कॉस है ना, कॉस को पुट किया साइन मिला है ना, कॉस को किया साइन ना, साइन कॉस इधर भी क्या होती है माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आएगा, समझे आप, तो जहाँ पे क्या आएगा
विच इम्प्लाइज द इक्वल टू इसको लिख रहा हूं मैं पी माइनस वन इंटू पी माइनस थ्री सो इंटू टू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस टू क्लियर इंटू सो ऑन वन। और ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब 90 से करने तब क्या आ जाएगी जीरो जो माइनस जीरो से किया तो वन आएगी ना माइनस इंटू माइनस प्लस समझ रहे हो ना मतलब माइनस पहले है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो जे माइनस की मतलब जे तो जीरो आ जाएगा जो वन आएगा जब माइनस की मतलब करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा वन आएगा मतलब ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सिर्फ नंबर बस आएगा वन अपॉन क्यू प्लस वन ओके क्या आ जाएगा वन अपॉन क्यू प्लस वन क्लियर हुआ ठीक है कोई क्वेश्चन लेकिन एक चीज हम छोड़ रहे हैं देखो हमने ऑड पुट किया था यहां पे पी को क्या किया था ऑड पुट किया था ना तो ये तो ठीक है लेकिन इसमें भी तो पुट कर रहे हैं इसमें भी पुट कर रहे हैं ना तो ये क्या टर्म बनेगी हमारे पास इसको तो लिखना पड़ेगा वन क्योंकि ये साथ साथ में चलेगी हमारे पास ये क्या लेंगे हम पी प्लस वन पी प्लस टू पी प्लस थ्री सो ऑन टू जे हमारे पास क्या बनेगी इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अगले स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे क्यू ठीक है ना क्यू प्लस थ्री मतलब एक स्टेप आगे जा रहा हूँ क्यू प्लस थ्री क्यू आ रहा है हमारे पास ऑड लिया क्या लिया हमने देखो जहां तक निकला हुआ है ना थ्री तक अगर हम जहां पे क्या पुट करें हम ऑड मतलब थ्री से ऊपर ही ले पाएंगे ना यहाँ पे हम ठीक है ना तो ये जहां पे लिख मुझे वन से ऊपर है तो वन नहीं लेंगे पर थ्री नहीं जहां पे क्या आया क्यू प्लस थ्री यहाँ पे भी कर देना आप क्यू प्लस थ्री ओके चलो क्या जाएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साइन की पावर पी एक्स कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स पी माइनस वन इंटू पी माइनस थ्री सो इंटू टू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू ये हमारे पास क्या आ गया पी प्लस क्यू माइनस टू सो इंटू क्यू प्लस थ्री और ये क्या जाएगा देखो जहां पे ये हमारे पास क्या बनेगा इंटू वन अपॉन क्यू प्लस वन ठीक है ये ऐसे आ गया क्लियर ये क्या मिला जब हमारे पास क्या है वो P क्या है ऑड है अब P इवन हो तो अगर P इवन हुआ तो क्या आएगा के सेकेंड इफ P इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या जीरो से पाई बाय टू साइन पावर पी एक्स इंटू कॉस पावर टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास पी देखो जहां पे क्या आएगा इवन में से ऑड माइनस करा ऑड है ना ये आएगा पी माइनस वन पी माइनस थ्री सो इंटू वन अपॉन ये आएगा पी प्लस क्यू इंटू इवन में से इवन माइनस करा कितना रहता है माइनस टू ये क्या रह जाएगा हमारे पास इवन में रहेगी इवन में तो जे भी इसमें पुट कर जे भी इवन ही है ना आ रही है समझ लो लास्ट में क्या आ जाएगी पी प्लस से टू आ जाएगी और इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू जब आप इवन माइनस इवन कर रहे हो तो क्या आ रहा है जीरो ये क्या बन जाएगा साइन की पावर जीरो एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स डी एक्स इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू पी माइनस वन इंटू पी माइनस थ्री सो इंटू वन अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस टू सो इंटू पी प्लस टू और ये कितना आ गया इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स हमारे पास आ गया अब देखो कॉस पावर क्यू आ रहा है अब जहां पे क्या आ रहा है
इसी के बीच में केसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। नो इसी का केस ए, केस ए मतलब इफ क्यू इज ऑड, क्यू अगर ऑड हुआ है ना, इसके फॉर्मूले किए ना आपने, अरे क्यू ऑड है तो क्या आएगा फॉर्मूला बताओ मुझे। p माइनस वन इसको लेंगे हम इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन पावर पी एक्स कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स जाएगा p माइनस वन इंटू पी माइनस थ्री सो इंटू वन अपन पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस टू इंटू पी प्लस टू, क्लियर। और ये ऑड है, ऑड का फॉर्मूला क्या था बताओ, ठीक है। जहाँ पे क्यू है ना क्यू लगाओ ना, क्यू माइनस वन क्यू माइनस टू सॉरी थ्री सो वन टू क्या आएगा टू अपॉन में क्या था हमारे पास क्यू इंटू क्यू माइनस टू सो वन टू वन, ज्यादा बार बोलो है ना। लेकिन जहाँ पे वन नहीं लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे थोड़ा आगे जाएंगे इस टाइप, ओके थ्री पे जाएंगे, क्लियर। कोई क्वेश्चन? अब अगला क्या दिया, कहता अगर Q क्या हो, इफ केस केस बी इफ Q इज इवन, अगर Q क्या है एक मिनट बस, इवन इंटरेशन जीरो से पाई बाई टू साइन पावर पी एक्स कॉस पावर क्यू एक्स डी एक्स ये क्या आएगा p माइनस वन इंटू पी माइनस थ्री भाई इवन माइनस ऑड इवन ऑड आएगा ना सेम ही आएगी। अच्छा ये तो वैसे रहेगी ना, सॉरी ये तो वैसे रहेगी, इसमें चेंजिंग होगी, ये मेरा बस क्या आएगा p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस टू सो इंटू पी प्लस टू इंटू क्या जाएगा यहाँ पे क्या आएगा q माइनस वन इंटू क्यू माइनस थ्री इंटू सो इंटू वन है ना, ऐसे आएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा q इंटू क्यू माइनस क्या q माइनस क्या लेंगे हम, ये इवन माइनस क्या कर रहे हैं हम q को ऑड लिया ना, इवन माइनस इवन माइनस क्या कर रहे हैं हम इवन लिया अभी हमने, इवन वाले में फॉर्मूला क्या आएगा जब हम पे क्या आ जाएगा वन है ना, वन ही आपको क्या लिखना पड़ेगा थ्री क्योंकि स्टेप आगे जाना है हमने, थ्री आएगा क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस टू सो वन टू क्या लेंगे हम जहाँ पे जाएगा टू इंटू क्या आ जाएगा सिर्फ पाई बाई टू आएगा इसके साथ, इवन में पाई बाई टू आता ना मल्टीप्लाई कर जे और जे दोनों सेम ही रहते हैं है ना, लेकिन सिर्फ क्या चेंजिंग हो जाती है पाई बाई टू होता है मल्टीप्लाई आती है पाई बाई टू, ठीक है समझ आया। कोई क्वेश्चन? ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।